भोपाल शहर में शारीरिक संबंधित अपराधों से जुड़े बदमाशों की धरपकड़ और संपत्ति संबंधी अपराधों की घटनाओं में अंकुश लगाने हेतु धरपकड़ कार्यवाही के संबंध में वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा निर्देश दिए गए हैं। वरिष्ठ अधिकारी गणों के आदेश अनुसार तथा सहायक पुलिस आयुक्त संजय मिश्रा के निर्देशन में थाना जहांगीराबाद भोपाल की टीम द्वारा दिनांक 9 फरवरी को पंजीबद्ध अपराध के आरोपी प्रदीप को मुखबिर की सूचना के आधार पर रेलवे ट्रैक से गिरफ्तार करके घटना में प्रयुक्त छुरी के साथ गिरफ्तार किया है। भोपाल से ताहिर खान की रिपोर्ट। दिनांक 9/2/2023 को फरियादी मोहन लाल ने रिपोर्ट की थी कि उसके पड़ोसी थाना क्षेत्र जहांगीराबाद का सूचीबद्ध गुंडा प्रदीप यादव ने उसके घर पे हमला कर उसको, उसके बेटे और उसकी पत्नी और बेटी चार लोगों को गंभीर रूप से घायल कर दिया था। इस पर से आरोपी और उसके चार साथियों के विरुद्ध 307 का मुकदमा दर्ज किया गया था। आरोपी थाना क्षेत्र का सूचीबद्ध गुंडा है, इसके विरुद्ध 10 अपराध कायम और घटना दिनांक को ही आरोपी 327 के मामले पे जेल से महज 6 घंटे पहले छूटकर आया था और आते से ही सभी साथियों के साथ मिलकर उसने घटना को अंजाम दिया। घटना दिनांक से ही फरार चल रहा था। आज पुलिस को सूचना मिली कि रेलवे पटरी के पास ऐसबाग क्षेत्र में आरोपी छुपा बैठा है। पुलिस ने रेड कर आरोपी को छुरी सहित गिरफ्तार किया है। छुरी के साथ कुछ और मिला है सर उसके साथ? नहीं, छुरी के साथ और कुछ नहीं मिला है सर। बाकी कुछ और आगे का कुछ और बताएगा सर वो? आरोपी के विरुद्ध अब प्रतिबंधात्मक कार्रवाई की जा रही है। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।